हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रंची मंची। तो आज हम कुछ ईद उल अदा स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं, जिसका नाम है मटन सीख कबाब। इसे हम रेशमी कबाब भी कहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक चॉपर बाउल लेंगे, जिसमें हम एक बड़ी साइज़ की प्याज स्लाइस कट करके डालेंगे, दो से तीन हरी मिर्चें तीखी वाली, एक बाउल पूरा भरकर हरा धनिया, थोड़े ब्रेड के टुकड़े लेंगे हम बाइंडिंग के लिए। यहाँ पर मैंने 1.5 कप लिया है। यहाँ पर आप फ्रेश या बासी ब्रेड भी ले सकते हो। हम सब चीज़ों को चॉप बाउल में चॉप कर लेंगे। जैसे ही हमारी सारी चीज़ें चॉप हो जाती है फ्रेंड्स, अब हम इसमें फुल फैट बीफ मिंस मीट डालेंगे, यानी कि खीमा डालेंगे, जिसमें मैंने फैट का प्रोपोर्शन ज़्यादा रखा है। मैंने उसको अच्छे से धो लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स ऑफ कीमा लिया है, यानी कि 250 ग्राम साबुत हाफ क्रश्ड धनिया, यानी कि साबुत धनिया, काली मिर्च 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय की चम्मच। यहाँ पर मैंने नेशनल का चिकन रेशमी कबाब मसाला लिया है, जो 2 टेबलस्पून भरकर डाली है मैंने। यहाँ पर आप कोई और कंपनी का भी चाहें तो ले सकते हैं, या तो आप सिंपल सीख कबाब का मसाला ले सकते हैं। अब हम इसमें एक अंडा डालेंगे। अब हम इसमें 2 चाय के चम्मच अमूल फ्रेश क्रीम डालेंगे। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर का मलाई भी ऐड कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है तो घी या तेल डाल सकते हैं, और ना भी डालना हो तो कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, हम 1 चम्मच लेमन जूस लेंगे। अब हम लिड को बंद कर सारी चीज़ों को अच्छे से चॉपर बाउल में मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ये फूड प्रोसेसर वाला चॉपर बाउल नहीं है तो आप मिक्सी में भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि हमने अदरक लहसुन नहीं डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट, तो हम ये लास्ट में डालेंगे। हमारा जैसे ही ये सारा मिक्सचर रेडी हो जाए और हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लें, हम ये पूरा बाउल साफ़ करेंगे ताकि हमारा ज़रा भी मिक्सचर वेस्ट नहीं जाए। ये हमारा सारा का सारा मिक्सचर ट्रांसफ़र हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे 2 टीस्पून। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अगर आपको यहाँ पर ये स्टेज पर लगता है कि आपका मिक्सचर सॉफ्ट है, तो आप ब्रेड क्रम्स डाल दें इसमें। हम अब एक बीच में गड्ढा कर हमारे कीमे को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, यहाँ पर मैंने एक बाउल फॉइल से कवर किया है। इसमें मैं कोल रखूँगी और इसके ऊपर 1/2 या 1 चम्मच घी डालूँगी, और हम लिड को कवर कर लेंगे 10 मिनट के लिए। जैसे ही हमारी सारी स्मोक इसमें
आ जाती है। हम 10 से 15 मिनट में ये लिड खोल देंगे। आप देख पा रहे हो कि हमारा मिक्सर बिल्कुल रेडी है। हम हमारे हाथों को अच्छे से ग्रीस करेंगे फ्रेंड्स, और अब हम सीख कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर लोहे की स्टिक्स खरीद के मार्केट से लेके आई हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप साटे स्टिक्स, जो बैम्बू स्टिक्स आती हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो भी ले सकते हैं। आप 2 से 3 स्टिक्स को एक साथ मिलाकर उसके ऊपर आप सीख कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से उसका सीख का सुराख फॉर्म हुआ दिखेगा। मैंने यहाँ पर मोटी स्टिक्स मार्केट में से लेके रखी हैं। अब जैसे ही हमारी ये सीक्स फॉर्म हो जाती है, हम इसे स्लिप कर कर एक ट्रे में रख देंगे। ऐसे ही हम दूसरी ट्राई करेंगे फ्रेंड्स। वापस से हम हमारे हाथ को ग्रीस करेंगे और वापस वही स्टिक्स पे वापस एक बार ऑयल से ग्रीस कर कर हम वापस एक सीक बनाएंगे। आप देख रहे हो कि मैंने अपने हाथ सही से ग्रीस नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो मेरे हाथों पे ये चिपक रहा है। इसके लिए हम एक और बार अपने हैंड्स को ऑयल से ग्रीस करेंगे। हमें ये सीख को बिल्कुल मोटी नहीं बनानी है, ऐसे हम लोग अच्छे से स्लिप कर लेंगे स्टिक में से। इसी तरह से हम सारी सीख को रेडी कर कर पैन को गरम करने रख दी है, और ये गरम हो चुकी है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग थोड़ा ऑयल लेंगे, यहाँ पर हमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल चाहिएगा फ्रेंड्स, और फिर हमारी सारी सीखें हम इसमें प्लेस कर देंगे। फ्रेंड्स, हमें इसे बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करना है रहेगा, बिकॉज ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं माशाल्लाह। हम सारी बाजुओं में अच्छे से ऑयल जाए इस तरह से हमारी पैन को टिल्ट करते रहेंगे। इसे सिकने में थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड्स, हम एक चम्मच की मदद से सारा ऑयल ऊपर डालेंगे इस पे, ताकि हमारी सीखें अच्छे से पक जाएं और पलटने में हमें आसानी रहे। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि मैं 2 स्पैटुला की मदद से इसे टर्न कर रही हूँ। हम इसे सीक को चारों ओर अच्छे से ब्राउन सीकेंगे। हमारी सारी की सारी सीखें अच्छे से सिक चुकी हैं और माशाल्लाह अच्छे से ब्राउन भी हो रही हैं फ्रेंड्स। इसका स्मोकी फ्लेवर हमें बिल्कुल बाहर के रेस्टोरेंट के स्टाइल का टेस्ट देगा। हमारी सारी सीखें अब रेडी हो चुकी हैं। अब हम ये सारी सीखों को एक प्लेट में
हमारी सीख बहुत से अच्छे से सीख चुकी हैं और हम उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे फ्रेंड्स। ये गर्मा गर्म फुदीने की चटनी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर मेरी चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, तो आपको न्यू अपडेट्स मिलेंगे। बाय।